सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पराल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो भाई, आप लोगों की जो डिमांड थी, सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड व्लॉग जो था, एक ही व्लॉग में सारे पेट्स दिखाऊं मैं, ऑल माय एनिमल व्लॉग भी कह सकते हो, तो ये व्लॉग ऐसा ही होगा, बट इसके अंदर मैं सारे डॉग्स दिखाऊंगा अपने। सो अपने डॉग्स, मेरे पास डॉग्स ही इतने हैं कि वो एक वीडियो में कवर हो जाए, वही बहुत है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारी जो आरपी फैमिली है वो हमारी कितनी लॉयल फैमिली है। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी पोस्ट करके बताओ कि हमारे पास कितने डॉग्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अभी के अभी। ठीक है, करो और बताओ मेरे को। सो दोस्तों, बता दिया आपने, पहले 30 मिनट्स के अंदर अंदर सारे कमेंट्स देखूंगा, जिसने सही करा होगा उसको हार्ट दूंगा, कितने नंबर ऑफ डॉग्स है हमारे पास एट प्रेजेंट। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और हाँ भाई, ये और बताना कि कौन सा डॉग किस टाइम पे हमारे पास आया था, उसका नाम क्या है, तो अब पता चलेगा हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स, लॉयल फैमिली कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं। सो ये देखो, ये हमारी जान थोरी भाई है, और इस टाइम इस टैग में खड़ा है क्योंकि मम्मी इसे कह रही है कि बॉल ले ले, और ये बॉल का बड़ा शौकीन बंदा है। बॉल इसकी फेवरेट है, सबसे फेवरेट बॉल है इसकी। और इसकी तो इंट्रोडक्शन देना भाई, मुझे यूँ लगता है कि क्या इंट्रोडक्शन दूँ। चैनल पे सबसे ज़्यादा यही दिखता है, और ये हमारा स्टार बॉय है थोर द रॉटवाइलर, और देख सकते हो आप सब लोग, जर्मन रॉटवाइलर है ये। और इसका मज़ल देख सकते हो, 60-40 रेशियो में है, मज़ल भी आगे से चौड़ा है इसका, मतलब जो कई होते हैं ना, मतलब मुंह पतला हो जाता है आगे से, वो नहीं है, मज़ल इसका ब्रॉड है, सॉरी। सो ये हमारी जान, और ये हमारा स्टार बॉय है रॉटवाइलर्स में। अगर आपको जो हमारे जो फार्म है वहाँ अगर आपको बेबी मिलता है, तो वो इसका ही बेबी मिलेगा, वो आपको बता के दिया जाएगा। और इसके बेबी की बड़ी डिमांड है भाई, आप सब लोगों के प्यार के लिए। और ये सुंदर तो है ही है दिखने में, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। ये देखो, ये देख लो भाई, आप थोर है ये, और क्या दिखाऊंगा आपको, ये सब चीज़ इसकी एंगल वगैरह A to Z चीज़ें, प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर खड़ा होता है सब चीज़, आप इसकी पोर्शन देख लो, A to Z चीज़ें। तो दोस्तों, ये हमारी रॉटवाइलर फीमेल है, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट फीमेल है, और इसी ने अभी हमारे प्यारे प्यारे थोर के जो बच्चे, थोर के साथ जो कॉम्बिनेशन मैंने रखा है वो इसी के साथ रखा है, कोनी के साथ। अभी अभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं, मतलब हो चुके हैं, वो चले भी गए हैं, तो अभी इसकी केयर चल रही है, इसके हेयर्स भी शेड हो रहे हैं अभी इस टाइम, क्योंकि जब फीमेल बच्चे देते हैं उसके बाद एक बार हेयर फॉल होता है सारा, तो ये उस मोड में अभी। तो आज इसको निलाना था, आज सबकी एक एक दिन की बारी रखी हुई है मैंने, मतलब की टर्न रखी हुई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा प्रॉपर हिंदी बोल पाऊँ। तो ये मेरी फेवरेट फीमेल है कोनी, और सबसे पहले यही मेरे पास आई थी, अगर मैं खुशी को ना गिनूँ तो। ठीक है, सबसे पहली फीमेल मेरी यही है। और ये मेरे को मनोज भी है, जो शूरवीर चैनल से है, मनोज यादव, उन्होंने मेरे को दी है। उनके लिए भी ये फीमेल ऐसी थी कि मतलब कि जो लक्की फीमेल होती है ना, लोग कहते हैं कि भाई पैसों में ले लो, उन्होंने लोगों ने इतने पैसे कहे कि हम इतने पैसे ऑफर कर देंगे, आप दे दो हमें, बट उन्होंने ये फीमेल किसी को नहीं दी, ये आपके भाई को दी है। तो बिग शाउट आउट टू मनोज यादव भी ऑल्सो। सो जिसको नहीं पता, रॉटवाइलर मेरी फेवरेट ब्रीड है भाई, और ये रॉटवाइलर की वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमन है जो इस टाइम आप एक देख सकते हो। सो भाई, ये हमारी स्टार गर्ल है, ये इना मीना की मौसी है, जो जानते हैं हमारी इना मीना को, वो हम आके दिखाएंगे आपको, बट ये हमारी स्टार गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है, और इसका नाम है सुल्ताना। और ये आप इसका कलर देख सकते हो, हमारे पास गोल्डन रिट्रीवर में हम अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, हमारे पास इनका रिजल्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। सो इस फीमेल की ये जो लाइट कलर है ना, हमारे पास 3 पैटर्न है, इससे लाइट कलर भी है हमारे पास, और इससे डार्क कलर भी है। जो डार्क कलर है वो तो इसकी डायरेक्ट सिस्टर है, और ये साथ में रहते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तो पता ही है। तो ये बाकी आप देख सकते हो, अभी तो इसमें अपने बाल नए आने वापस हुए हैं इसके, क्योंकि शेडिंग हुई थी इसकी, पर उसमें भी आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कोट आया हुआ है, प्यारी बच्ची है हमारी, और टेम्परामेंट वगैरह, नेचर वगैरह आप देख सकते हो इसका, इतनी सुंदर और इतनी शानदार बच्ची, मतलब कि बहुत कम देखने को मिलती है।
सो ये जो कलर है ना, इस कलर से हमारे पास लाइट कलर भी है, और उस फीमेल के अभी हमारे बच्चे हुए हैं, उसमें 8 पपीज है हमारे पास। सो अगर किसी को लेने हैं तो अब आप वीडियो देख लो उन बच्चों की और फीमेल की भी, तो आप हमारे देखो ये देखो कितनी एक्टिव है, और वो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमारे पेट डोमेस्टी के नंबर पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। सो दोस्तों ये हमारी सेकंड फीमेल है रजिया, और जो अभी आपको दिखाई थी फीमेल उसकी रियल सिस्टर है। हाँ हेलो बेटे। सो इसका जो आप कलर देख सकते हो ये डार्क शेड में हमारे पास, तो ये भी बहुत प्यारी बच्ची है, और इसका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे नेक्स्ट जो रिजल्ट इसके ही है, 2 रिजल्ट है हमारे पास अभी भी, और वो 4 मंथ्स की हैं बच्चे। सो उनको भी दिखाता हूँ मैं आपको, और ये बहुत प्यारी बच्ची है भाई, बहुत प्यारी ब्रीड है। अगर आप लोग कहोगे हम गोल्डन रिट्रीवर पे स्पेशल एक वीडियो बना सकते हैं कि ये ब्रीड क्यों इतनी अच्छी है, और भाई मैं तो इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि ना यार लैब्रा तो हर बंदा रखता है, हर दूसरे घर में लैब्रा है, और लैब्रा से भी ज़्यादा अच्छी इन द सेंस मतलब कि उससे भी ज़्यादा फैमिलियर कंपेनियन डॉग ब्रीड है ये, और थोड़ी फैंसी लगती है, थोड़ी हटके लगती है, इसलिए मैं इस ब्रीड को प्रेफर ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई जो मेरे को कहते हैं ना कि भाई पहली बार डॉग रख रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही है गोल्डन रिट्रीवर। हाँ मीटू, हेलो। सो इतनी प्यारी ब्रीड है, इनको आप जितना प्यार करोगे वो प्यार कम है, उतना कम है इनके लिए, मतलब ये पूरा टाइम कहते रहेंगे प्यार करते हो, पूरा टाइम ये ऐसे डॉग है कि बैठे रहेंगे और आप इनको प्यार करते रहो पूरा दिन निकाल देंगे इस चीज़ में। और एक और अच्छी बात इनकी कि कुछ भी खाने को दे दो वो खा लेते हैं, मतलब बिल्कुल भी वो नखरे नहीं करते हैं, जो जैसा फीड आप दोगे जैसे फीड पे आप रखना चाहोगे वैसे रख लेते हैं, रह जाते हैं, और बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग्स है ये। सो अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, चलो बेटा चलो। तो देखो भाई ये हमारी मीना है, ये डार्क शेड में आई है, इसकी मदर पे आई है, जो अभी लास्ट में आपने फीमेल देखी थी उसकी बच्ची है ये, 4 महीने की बच्ची है। और बाकी इसका बोन साइज वगैरह और सारी चीजें आपको मैं दिखाता हूँ, और बिल्कुल हैप्पी बच्ची है। और इस टाइम भाई हमारे यहाँ समर्स है, तो समर्स में इनको गर्मी ज़्यादा लगती है भाई, हमने पूरी इनको प्रॉपर स्पेस वगैरह कूलर वगैरह A to Z चीज़ें दी हुई है, बट फिर भी यार जो ग्रोथ सर्दी में होती है वो गर्मियों में नहीं हो पाती, बट फिर भी आज इसको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी प्यारी बच्ची को। ये देखो भाई। सो भाई ये हमारी बच्ची, इसका नाम है मीना, और ये अभी आपने जो फीमेल देखी थी डार्क वाली उसका रिजल्ट है ये, 4 महीने की बच्ची है। इसकी आप ग्रोथ देख सकते हो, बोन साइज देखो सबसे पहले, तो ये देखो बोन साइज मेरे हाथ पे, मेरा हाथ यार नॉर्मल से बड़ा है क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता था, और उस हिसाब से एक मिनट दिखा दे बेटे, ये देखो। सो ये अब इसको ये देखो, इसके प्लेइंग टाइम है इसका, इस टाइम हम पार्क में छोड़ देते हैं, सब चीजें देख सकते हो आप। ये देखो भाई ये बच्ची है सेकंड वाली, ये इसका कलर थोड़ा सा लाइट है उससे, और ये उसकी सिस्टर ही है, ये हमारी रजिया है उसकी बच्ची है, ये भी 4 मंथ्स की है। और ये कह रही है मुझे खोल दो भाई इसे, खोल दो इसको, इसकी प्लेइंग दिखाते हैं। और इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, ये देख सकते हो आप इसकी एक्टिविटीज वगैरह। ये लो बोन साइज वगैरह सब चीजें आप देख लो बच्चे की कितनी अच्छी है, शानदार बच्ची है, बहुत शानदार। और हाँ आप लोगों को अगर हमारे से बच्चे लेने हैं गोल्डन रिट्रीवर के तो आप ले सकते हो, अभी आपको जैसे मैंने क्लिप दिखाई थी अभी बच्चे होए हुए हैं। सो अगर आप में से किसी को भी लेना है तो आप बुकिंग करवा सकते हो अभी इस नंबर पे, अच्छी क्वालिटी के पपीज मिलेंगे आपको, जो आपको दिखा भी दिया हमने। रोटवाइलर अभी अवेलेबल है, रोटवाइलर भी लेने हैं आपने, थोर की जो सिस्टर है उसके बच्चे मिल जाएंगे आपको, हमारी थोर के बच्चे नहीं है, थोर की सिस्टर के बच्चे हैं वो मिल जाएंगे, और अगर आपको गोल्डन रिट्रीवर लेने हैं वो मिल जाएंगे। सो आप यू कैन कॉल ऑन पेट डोमेस्टी नंबर, ये देखो, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे फार्म की शान, हमारी खुशी, मेरी बेटी, ये हमारे पास बीगल है भाई, ये टॉप के मतलब टॉप की शरारती बंदी है, थोड़े नीचे हो गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन को कि खुशी की हाइट पे आगे दिखाओ हम खुशी को। सो ये देखो,
ये हमारी जान है और टैग वगैरह सब कुछ परफेक्ट लगाती है। और एक और अच्छी बात है भाई, ये 9 मंथ की होगी, 9 से मतलब 10th मंथ में लग चुकी है ये, तो ये पहली हीट पे भी आ चुकी है। और भाई जो है हमें देखो, हम शौक के लिए रख रहे हैं, देख हेलो कर रही है। अच्छा हेलो हेलो मेरी बेटी। और शौक के लिए रख रहे हैं तो देखो, और ये एथिकल भी नहीं होता कि पहली हीट में आप बच्चे करवाओ, सो ना करवाना। हमारे पास तो ये पार्क वगैरह इसलिए बनाया था हमने कि इनकी सेवा कर पाए और थोड़े बहुत हम भी देख लें इनके आगे वाले वंशज कैसे होते हैं। सो थोड़ी बहुत खासियत इस ब्रीड की मैं ये बताता हूँ, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना, जितनी ज़्यादा ये शांत और क्यूट लगती है उसकी बिल्कुल अपोजिट है ये, इतनी ज़्यादा शैतान और सबसे हार्ड ब्रीड है भाई। मतलब इनमें को अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, डिजीज वगैरह बिल्कुल मिनिमम है, कोई डिजीज नहीं है, इवन ये हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाती है, जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है। और भाई बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा लविंग और तूफान कहते हैं हम इसे अपने फार्म पे। तो ये हमारी प्यारी बच्ची है, इसके आने वाले 6 महीने में, 5 से 6 मंथ्स में इसके भी शायद बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो हम तो जरूर रखेंगे। आप में से किसी को लेना हो तो आप वेटिंग कर सकते हो इसके लिए। भाई पूरी ना सबसे क्यूट बच्चा है हमारे पास का, ये वो है शरारती बच्चा जो सबसे ज्यादा डांट लगती है और 1 सेकंड के बाद बदल जाता है। जैसे कि अब मैंने डांट मार दी, इसको डांट मार दी तो 2 मिनट के लिए तो शांत हो जाएगी, ऐसे दिखाएगी कि मैं चुप हूँ, और उसकी अगले ही सेकंड में चेंज हो जाएगी, हो जाएगी ना। है चलो अब नेक्स्ट डॉग दिखाते हैं हमारा। अब आपको एक लास्ट डॉग और दिखा देते हैं, वो हमारा यार हमारा ही है, वो ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, गुड्डू को सब जानते हो, उसकी एक बहुत तगड़ी स्टोरी है। नए लोग अगर कोई देख रहा है उनको नहीं पता होगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, और उसकी क्या स्टोरी है वो दिखाऊंगा। अभी मैं जो हमारे डॉग हॉस्टल में आए हुए हैं उनको कवर नहीं करूंगा, सिर्फ एक डॉग को कवर करूंगा। ये हमारे हॉस्टल प्लस ट्रेनिंग में आया हुआ है, आप लोगों को थोड़ी एजुकेशन भी मिल जाएगी कि हम क्या सर्विस और प्रोवाइड कराते हैं। सो उसको निकालता हूँ मैं बाहर और फिर आपसे मिला। सो दोस्तों ये गुड्डू है, अमेरिकन बुल्ली है ये, कई लोग इसे पिटबुल से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पिटबुल होगा। तो आज से एग्जैक्ट 2 महीने पहले ये हमारे पास आया था, और ये इतना तंग थी इसकी फैमिली मेम्बर्स इससे कि भाई इसने इवन अपनी फैमिली मेम्बर को भी काट लिया था एक बार। और जो जिस सोसाइटी में वो रहते थे उस सोसाइटी के जो मेम्बर्स थे वो इसको इवन पॉइजन भी करने वाले थे। इसकी स्टोरी मैंने 1-2 बार पहले भी बताई है, बट आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ कि अब तक कोई नए व्यूअर्स जो आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा इसकी स्टोरी। सो तब हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि इस डॉग को हम सुधारेंगे, तो अब आप देख सकते हो उस टाइम और इस टाइम इसमें कितना फर्क हो गया है। ये इसको उन्होंने यूँ कहा था कि इसे सोशल करना है, और सोशल करना है, एग्रेशन कम करना है इसका, और कई सारी और चीज़ें थी इसमें कि मतलब कि ये डॉग लोगों को काट भी रहा था, और हमने इस पे 0 से काम करा भाई। वही है ना, डॉग बिहेवियरिस्ट और ट्रेनर दोनों का काम आया। हमारे ट्रेनर साहब आ जाओ एक बार, शक्ल दिखा दो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सो एक मिनट, ये देखो हमारे ट्रेनर साहब है ये, इन्होंने और मैंने मिलके मेहनत करी इस पे, तो आज ये इस स्टेज पे आ गया है कि ये सोशल हो चुका है। कोई भी नया बंदा आता है हम सबसे पहले इससे ही मिलाते हैं ताकि इसकी ट्रेनिंग हो। 3 मंथ्स का कोर्स था, अभी 1 महीने का कोर्स रह रहा है, इसका राउंड अप करना रह रहा है हमारा। और आप लोगों को एक और अपडेट दिखाऊं, क्या खुशी को लेगा, ये किसी और डॉग के साथ नहीं रहता था, अब देखना इसकी अपने ये वीडियो में पहली बार इसको दूसरे डॉग के साथ मिलाएंगे। मतलब आपको आप लोगों के आगे पहली बार है, हमने तो इसकी प्रैक्टिस शुरू से करवा रखी है। ये देखो ये हमारी खुशी है, और अब ये खेलेंगे छोड़ो। ये गुड्डू है ये हमारा, और इसके जो ओनर है ना वो इसे देख के, इस मूवमेंट को देख के पक्का रो देंगे, मतलब इमोशनल हो जाएंगे खुशी के आंसू जो आते हैं। ये देख लो आप हमारा, ये वो ही गुड्डू है जिसको सोसाइटी मेंबर्स एक टाइम पे पॉइजन करने वाले थे। तो ये है कैट डोमेस्टिक की पावर, ये है हमारी टीम की पावर भाई, टीम दिखा रहे एक बार। और टीम के अंदर कैमरामैन भी है जो हमारा भाई है मोहित,
ये हम तीनों की पावर है और मेरे फादर साहब भी है भाई बीच में, वो उनको भूल जाना। सो ये हम लोगों की पावर है, हमने मेहनत करी तो ये रिजल्ट आ गया। जिस डॉग से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मतलब कि इंसानों के साथ फैमिलियर हो जाए, ये दूसरे डॉग्स के साथ फैमिलियर हो गए और उनके साथ खेलते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं अच्छे वाली। ये लो देख लो बाप, आप लोगों के आगे एग्जांपल है सारा। सो आप लोगों ने अगर डॉग ट्रेनिंग, डॉग हॉस्टल या फिर पपीज लेने हैं जो हमारे पास ब्रीड्स है उनमें से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पेट डोमेस्टिक का, वहाँ कॉल कर सकते हो। हमारी ब्रीड जो होती है भाई वो क्वालिटी पे बात होती है। सो आपको जो मार्केट में प्राइस मिलेगा उससे 1% हम यूं कह सकते हैं कि इक्का दुक्का परसेंट हाई प्राइस होगा, बट क्वालिटी की हमारी गारंटी। पेट डोमेस्टिक का ट्रस्ट मिलेगा आपको, उसका लेबल मिलेगा, वो ये था ना पेट डोमेस्टिक का ठप्पा लग के आएगी चीज तो वो परफेक्ट होगी ही होगी 101%। सो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं। इन लोगों की मस्तियां देख लो आप और एक और धमाकेदार व्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा होए। और ये देख लो आप, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो। चलो भाई, ओके, बाय बाय।